राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दो दिवसीय रांची दौरा प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर शाम 7 बजे तक वे रांची पहुंचेंगी। इसके बाद वे रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगी। 20 सितंबर को नामकुम के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं 12:30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगी। प्रोटोकॉल के मुताबिक उनकी 3-लेयर सुरक्षा व्यवस्था होगी। उनकी सुरक्षा में 6 IPS, 10 DSP, 25 इंस्पेक्टर, 20 दरोगा और 2000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर रांची के कई इलाकों को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। वहीं 19 और 20 सितंबर को रांची का ट्रैफिक सिस्टम भी बदला रहेगा।